हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट ऑटोमोबाइल चैनल रूम लव। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इस वीक की सारी टॉप न्यूज की। सो क्या क्या मार्केट में हुआ है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम Hyundai। Hyundai ने अपनी i20 N लाइन का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है एंड इसका स्टार्टिंग प्राइस है 9.99 लाख। ये कार 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 120 हॉर्स पावर एंड 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT के साथ आती है। 16 इंचेस के इसमें आपको एलॉयज देखने को मिल जाते हैं, बोस का ऑडियो सिस्टम मिलता है, 6 एयरबैग्स विद ESC एंड BSM ये सारे फीचर्स मिलते हैं और ये ऑल डिस्क ब्रेक्स के साथ आती है। सेकंड वन इज फ्रॉम Volkswagen। Volkswagen ने अपने Tiguan का 2024 वर्जन ग्लोबली अनवील कर दिया है एंड ये अब आपको 4 पावर ट्रेन में देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग डीजल एंड अ PHEV। ये इसका 3rd जनरेशन है SUV का एंड ये अब आपको 30 mm लॉन्गर एंड 4 mm टॉलर देखने को मिलेगी। इसमें आपको 15 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, 20 इंचेस के इसमें न्यू एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, इसमें आपको 652 का बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलेगा एंड ये न्यू HD मैट्रिक्स हेडलाइट्स के साथ आएगी। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम MG मोटर्स। जहां सारी कंपनीज गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ा रही है, वहीं पे MG मोटर्स ने एक बहुत ही शानदार काम किया है, MG हेक्टर के प्राइस घटा के। MG ने हेक्टर एंड हेक्टर प्लस के प्राइसेस घटा दिए हैं एंड बात करें रिड्यूस्ड प्राइस की तो MG हेक्टर पहले 15 लाख से शुरू होकर 22,72,000 तक आती थी, लेकिन अब इसका नया प्राइस है 14,73,000 रुपए से 21,73,000 रुपए तक, यानी आपको 1,29,000 रुपए तक का प्राइस कट देखने को मिला है। बात करें अब MG हेक्टर प्लस की तो MG हेक्टर प्लस 18 लाख से 23,58,000 के बीच में आती थी, लेकिन अब इसका न्यू प्राइस है 17,50,000 से 22,43,000 तक, यानी इसमें हमको लगभग 1,35,000 तक का प्राइस कट देखने को मिला है। आपको क्या लगता है, क्या इस स्ट्रेटजी से MG हेक्टर की सेल बढ़ पाएगी? और हमें कमेंट में जरूर बताइए आप कौन से दूसरे ब्रांड के प्राइस घटते हुए देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA। FADA ने एक डीलरशिप सेटिस्फेक्शन स्टडी की है 2023 की और उसमें इन्होंने 4-व्हीलर 2-व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल्स के डिफरेंट आउटलेट्स पे एक सेटिस्फेक्शन सर्वे किया है। 4-व्हीलर में बाजी Hyundai मोटर्स एंड मारुति सुजुकी ने मारी है, जबकि नीचे से टॉप किया है रेनो ने और टाटा मोटर्स ने। 2-व्हीलर्स में होंडा मोटरसाइकिल्स एंड रॉयल एनफील्ड ने बाजी मारी है एंड नीचे रहे हैं यामा एंड बजाज ऑटो। एंड कमर्शियल व्हीकल्स में ऊपर से आइशर मोटर एंड नीचे से भारत बेंज ने टॉप किया है। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम Hyundai। Hyundai की अपकमिंग कार क्रेटा फेसलिफ्ट का स्पाई शॉट दोबारा से लीक हो गया है एंड फ्रंट में काफी सारे अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले 360 व्यू के लिए अब कैमरा भी यहाँ पे देखने को मिलता है एंड नीचे ADAS के लिए रडार भी देखने को मिलता है। इसमें आपको न्यू एलॉय व्हील भी देखने को मिल जाते हैं एंड इंटीरियर में काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब वेट करते हैं Hyundai Creta फेसलिफ्ट का, क्या क्या ये अपने साथ लेके आती है। वैसे आप Hyundai Creta के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो या आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम Audi। Audi ने अपनी Q5 का लिमिटेड एडिशन इंडिया में लॉन्च कर दिया है विद द प्राइस टैग ऑफ 69.72 लाख। ये स्पेशल एडिशन आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी वेरिएंट में देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है एंड ओकपी ब्राउन इंटीरियर देखने को मिलता है। मैकेनिकली गाड़ी बिल्कुल सेम है विद द 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दैट प्रोड्यूसेस 265 हॉर्स पावर एंड 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम Bentley। Bentley ने इंडिया में फ्लाइंग स्पर हाइब्रिड को लॉन्च कर दिया है एंड इसका प्राइस 5.25 करोड़। ये आपको 60 से ज्यादा एक्सटीरियर पेंट्स के ऑप्शन देता है एंड इंटीरियर में आपको 15 शेड से भी ज्यादा लेदर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फ्लाइंग स्पर हाइब्रिड में हमें 2.9 लीटर V6 टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है विद 18 किलोवाट आवर बैटरी जो कंबाइन होकर 536 हॉर्स पावर एंड 750 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। इसकी टॉप स्पीड 285 किलोमीटर पर आवर है एंड ये 0-100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 4.3 सेकंड अचीव कर लेती है और इसकी एस्टिमेटेड रेंज है 800 किलोमीटर। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम BMW। BMW ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV iX1 को ऑफिशियली टीज कर दिया है एंड ये 4th ऑल इलेक्ट्रिक ऑफरिंग होगी BMW की इंडिया में। बात करें इसके फीचर्स की तो ये 64.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आएगी जो ट्विन मोटर सेटअप के साथ है। 313 हॉर्स पावर एंड 494 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगी एंड ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी। 440 किलोमीटर की इसमें रेंज मिलेगी एंड ये 0-80% सिर्फ 29 मिनट्स में चार्ज हो जाएगी।
टुडेज लास्ट न्यूज इज फ्रॉम एस्टन मार्टिन। एस्टन मार्टिन ने अपनी नई DB12 को अनवील कर दिया है एंड इट इज द मोस्ट अकम्प्लिश्ड एंड कॉम्प्रहेंसिव डीबी मॉडल इन एस्टन मार्टिन हिस्ट्री। ये V8 ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आएगी जो 680 हॉर्स पावर एंड 800 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो ये थी इस वीक की सारी हॉट न्यूज जो भी आपने देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने वैल्यूएबल फीडबैक कॉमेंट में हमें जरूर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।